हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। मेरे यूट्यूब चैनल अमित मुरारी ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ कि आपको पुरानी बाइक लेते हुए आपको क्या उसमें फ्रेम कहाँ से देखना चाहिए कि मेरे गाड़ी का फ्रेम ठीक है कि नहीं है, उसमें मेन देखने वाली क्या बात होती है, और आपकी गाड़ी का फ्रेम लगभग कहाँ से टूटता है, ज़्यादातर गाड़ी में कहाँ से टूटा होता है जो हमने चेक करना है। और उसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके। और पिछले भी वीडियो मेरे देख सकते हैं, किसी भी छोटे या बड़े यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया होगा कि BS4 में पर्ज वाल क्या होता है और ये मिसिंग कैसे करती है गाड़ी BS4 मॉडल। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इन्फॉर्मेशन देने के पीछे। जैसे कोई लोग आजकल लगवा रहे हैं साउंड किट, तो बोलते हैं कि ये साउंड किट के बारे में आपने क्यों बता दिया। कईयों का जवाब आया, कई गलत लैंग्वेज भी यूज़ करी है और गाली गलौज भी लिखी है कि ये पर्ज वाल के बारे में लोगों को क्यों बता दी और ये क्यों बताया कि ये साउंड किट क्या होती है। क्योंकि लोगों, दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ये मेरा शौक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ बुलेट की फ्रेम कहाँ से टूटती है और किस कारण टूटती है, और आपको सेकेंड हैंड बाइक लेते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों देखिए आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों ये आपका बुलेट का यूसी का इंजन का फ्रेम है पूरा, इसको फ्रेम बोलते हैं, चेसिस या फ्रेम। तो अपने को सेकंड हैंड बाइक लेते हुए क्या देखना है कि ये कहीं से, ये देखिए ये गाड़ी की आपकी चेसिस टूटी हुई है और इसको दोबारा से वेल्डिंग कर रखा है। ये देखिए ध्यान से जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चेसिस यहाँ से टूटी हुई है। तो दोस्तों आपको अपनी बाइक में भी क्या ध्यान रखना है, इस एक्सल को, इंजन मोल्डिंग बोल्ट को, कि ये लूज़ ना हो। दोस्तों ये लूज़ होगा तो ये इंजन के अंदर से जा रहा है और ये इंजन माउंटिंग बोल्ट होता है, तो दोस्तों ये लूज़ होगा तो आपकी बाइक के यहाँ से फ्रेम टूट सकता है। एक हमें बाइक में क्या देखना चाहिए कि आपका ये बेंड ना हो पाइप, तब बाइक की लाइनमेंट आउट हो जाएगी। पर आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपकी चेसिस यहाँ से टूटती है तो हम इसको टूटने से कैसे बचा सकते हैं। पुरानी बाइक लेते हुए भी आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी चेसिस यहाँ से क्रैक या टूटी ना हो। तो दोस्तों पुरानी जो आपकी यूसी से पहले बाइक आती थी उसकी चेसिस बहुत मजबूत होती थी और जल्दी से फ्रेम कहीं से टूटता नहीं था, चाहे कोई एक्सल या नट भी लूज़ हो तो आपका फ्रेम नहीं टूटता था। पर दोस्तों ये यूसी इंजन में आपने जो कंपनी ने बना रखा है फ्रेम, वो इस तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक कमज़ोर दे रखा है पीस। तो क्या होता है कि जब आपका ये वाला बोल्ट एक्सल ये आर पार होता है दोस्तों, जब ये बोल्ट ये वाला तो दोस्तों 12 नंबर का ये और ये टाइट होने चाहिए, आपका ये वाला बोल्ट जो आर पार जा रहा है इंजन माउंटिंग का, ये आपकी स्टैंड प्लेट को पकड़ के रखता है और ये आपका चेसिस के आर पार जा रहा है। दोस्तों ये दोस्तों ध्यान से, ये बोल्ट इस तरफ से है 13 नंबर का और दूसरी तरफ से 14 या 17 नंबर का हो सकता है। तो दोनों दोस्तों इसको हमेशा इसको टाइट कराना चाहिए आपको सर्विस पे, उसको वैसे भी चेक करना चाहिए कि ये टूटा ना हो। तो दोस्तों इसके लूज़ होने से क्या होगा, इसका फ्रेम टूट सकता है। तो दोस्तों टूटने से क्या होगा, आपकी बाइक की रिसेल वैल्यू भी कम हो जाएगी। और ये दोस्तों वेल्डिंग होने के बाद दोबारा यहाँ से दिखता है और आपकी रिसेल में भी इसकी दिक्कत आएगी। और आपको यहाँ से भी फ्रेम को देखना चाहिए बाइक लेते हुए पुराना, कि ये यहाँ से टूटा ना हो। तो दोस्तों इसका कसने का क्या कारण है, इसको हम इधर से ये आर पार होता है, ये देखिए ये बोल्ट इसका आर पार है। और इधर से भी दिखाता हूँ दूसरी तरफ से कौन से नंबर का हो सकता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा कैमरा हिल रहा है। ये देखिए दोस्तों ये पार आके ये 14 नंबर का, या नई बुलेट में 17 नंबर का हो सकता है। 2011 में ये 12 में मॉडल में ये 14 नंबर का है, उसके बाद 14-15 बाद के मॉडल में ये 17 नंबर का भी हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा इसको चेक करना है हमने, ये देखिए इस बोल्ट का हमेशा चेक करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों इस बोल्ट को हमेशा टाइट रखना चाहिए, अगर ये दूसरे तरफ से घूम रहा है तो इसको हम पकड़ के हमें टाइट रखना चाहिए। तो दोस्तों यही मेन कारण है कि आपकी बाइक का फ्रेम टूट जाता है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और नए नए वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।